नमस्कार संभो के YouTube चैनल पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है आज अपन बात करेंगे बी एस सी पार्ट थर्ड ईयर की देखिए बी एस सी पार्ट थर्ड ईयर के अंदर अपन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का जो पेपर है वो पहले डिस्कस कर चुके हैं अब अपन बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर की तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री जो है अपना थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री इसमें अगर बात करें अपन पांचों यूनिट की तो देखो सबसे फर्स्ट यूनिट फर्स्ट यूनिट क्या दे रखी है अपने क्वांटम यांत्रिकी दे रखी है है ना क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये वाली यूनिट रहेगी सेकेंड यूनिट की बात करें तो अपने रहेगी यहाँ पे एमओटी थर्ड यूनिट की अगर बात करें तो रहेगी अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी फोर्थ यूनिट अगर बात करें तो यहां पर रहेगी अपने फोटो केमिस्ट्री प्रकाश रसायन उसके बाद अगर बात करें लास्ट यूनिट की तो लास्ट यूनिट जो है वो रहेगी अपने पास में सॉल्यूशन यानी विलियन देखो इस बार अपना जो पैटर्न है उसमें कोई दो वाला ऑप्शन है तो मैं अगर कहना चाहूंगी का सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा आसान है ट्वेल्थ क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं तो इसके आप दोनों क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं एक क्वेश्चन जो है वो आपका फोटोकेमिस्ट्री से बहुत आसानी से अटेम्प्ट हो सकता है इसके अलावा बच गई तीन यूनिट तो आपको जो अच्छी लगे वो वाली यूनिट आप पढ़ सकते हो देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर बात करें तो अपन ने कहा स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑर्गेनिक में भी है वहां पे है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बाकी बच गई वो स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की देखिए क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इसमें सबसे पहले क्या पूछा जाता है आदर्श कृष्णिका क्या होती है आइडियल ब्लैक बॉडी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बाद में अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा यहाँ पर और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं अपने पास में तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है किसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या अपन कहें प्रकाश विद्युत प्रभाव का क्वेश्चन आ सकता है एक अगर अपन बात करें तो कॉम्पटन इफेक्ट का क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पटन प्रभाव का एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है अपने देवरोगली कल्पना से तो पर क्वेश्चन आ सकता है परिकल्पना क्या है इसको समझाइए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आता है हाइजेन बर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत तो देखिए अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल आता है तो हाइजेन बर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत पूछा जा सकता है इसके अलावा अगर अपन बात करें यहां पर तो देखिए क्वेश्चन जो आता है वो आता है एक वीम बॉक्स से वनडी बॉक्स जो होता है उसकी अगर बात करें तो बॉक्स हाइड्रोजन के लिए पूछा जाता है यहाँ पर क्वेश्चन जर समीकरण क्या है इसको व्युत्पत्ति कीजिए स्रोणीजर समीकरण के अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसका आइगन फंक्शंस का तो आइगन फलन वगैरह क्या होते हैं इसके अलावा आता है साई और साई स्क्वायर की सार्थकता को बताइए और इसके अलावा लास्ट जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर वो बनता है किसका क्वांटम संख्याओं का तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मेन मेन क्वेश्चन है अपने यूनिट फर्स्ट के अंदर जहां से क्वेश्चन अपन को बनते हैं तो आप ये वन डी बॉक्स है और अगर अपन बात करें तो स्रोन समीकरण जो है उसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ क्वेश्चन है वो ज्यादा बनते हैं अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की यूनिट सेकंड जो है वो क्या दे रखी है अपने एमओटी देखिए एमओ की अगर बात करें तो यहाँ पर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है तो इसमें एक जो क्वेश्चन आता है वो तो आता है किसका संकरण का संकरण में कौन कौन से संकरण है तो अपन ने कहा तीन संकरण है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एक पूछा जाता है अपन से एस संकरण एक पूछा जाता है एस पी टू संकरण और एक पूछा जाता है एस पी थ्री संकरण तो यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो तो पूछा जाएगा किसका संक संकरण का संकरण का संकरण में कौन कौन से पढ़ने अपन को sp संकरण एस पी टू संकरण और sp3 थ्री संकरण एक पूछा जाता है आणविक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस का इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों का तो क्या पूछा जा सकता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन और एक जो पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है अपन को हाइड्रोजन या टू प्लस स्टार जो अणु है उसके लिए क्वेश्चन है पूछे जाते हैं ये वाली यूनिट काफ़ी छोटी सी है इसमें ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो है नहीं इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट जो यूनिट है यूनिट थर्ड देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर बात करें यहाँ पर तो तीन चार टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी है अपने पास में देखिए यहाँ सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछता जाता है वो पूछता है किसका स्पेक्ट्रम का स्पेक्ट्रम क्या होता है तो अपने का स्पेक्ट्रम दो हो सकते हैं अवशोषण या फिर उत्सर्जन फिर ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जो है वो अपने सिलेबस में नहीं है अवशोषण है अवशोषण स्पेक्ट्रम फिर से दो प्रकार के हो सकते हैं तो इस टाइप से अपन को पूरा स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम क्या होते हैं उसके बाद में स्टार्ट होती है अपने पास में सेकेंड सेकेंड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है बोर्न बोन ओपेनमियर अप्रोक्सीमेशन क्या है बोर्न बोन ओपेनमियर अनुमान क्या है तो देखिए बोन ओपेरमियन अनुमान क्या होता है कि यहां पर क्या होते हैं बहुत सारे क्वांटम स्तर होते हैं इनको मुख्य क्वांटम स्तर बोलते हैं और मुख्य क्वांटम स्तरों के बीच में क्या होते हैं कंपन स्तर होते हैं कंपन स्तरों को किससे लिखते हैं वी से लिखते हैं और दो कंपन स्तरों के बीच में बहुत सारे क्या होते हैं घूर्णन स्तर होते हैं घूर्णन स्तरों को किससे लिखते हैं जे से लिखते हैं तो ये अप्रोक्सीमेशन बताया था किसने बोने ओपेनमियर ने बताया था तो ये अपन को पढ़ना होता है नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर थर्ड तो देखिए सबसे पहले क्या पढ़ते हैं अपन घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी तो घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो क्या होती है तो इसके अंदर अपन को चीजें पढ़नी है क्या पढ़नी है दो एक तो पढ़ना है रिजिड रोटेटर यानी एक तो अपन को पढ़ना है दृढ़ घूर्णक और एक अपन को पढ़ना है ए घूर्णक अगर अपन बात करें रिजिड और नॉन रिजिड रोटेटर की तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना है कि यहाँ पर कोई भी अगर घूर्णन स्पेक्ट्रम है उस घूर्णन स्पेक्ट्रम में बहुत सारे क्या होंगे घूर्णन होंगे उन स्तरों की ऊर्जा किस तरह से दी जाती है फिर उसके लिए चयन नियम क्या हो सकते हैं उसके बाद में यहाँ आवश्यक ऊर्जा क्या होती है और चौथा है वो स्पेक्ट्रम पूछा जाता है ये वाला यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है क्योंकि यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं नेक्स्ट देखिए फोर्थ अगर घूर्णन स्पेक्ट्रम है तो उसी प्रकार से नेक्स्ट जो स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है रोटेशनल के बाद में कौन सी आती है वाइब्रेशनल या जिसको अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखिए एक तो क्वेश्चन बनता है कि कोई भी आई आर स्पेक्ट्रम देता है तो उसके लिए आवश्यक शर्तें क्या होती हैं तो डाइपोल मूवमेंट का मान क्या होना चाहिए जीरो और अणो की फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए किसके रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के दूसरा यहाँ पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कंपन की विधाएं क्या होती हैं मोड ऑफ वाइब्रेशन बताइए तो मोड ऑफ वाइब्रेशन होते हैं दो टाइप के एक होते हैं तनन स्ट्रेचिंग एक होते हैं बंकन, bending, फिर अलग अलग टाइप के और होते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके बाद में यहाँ पर अपन को पढ़ने दो चीजें आईआर स्पेक्ट्रम पढ़ने के लिए तो जैसे घूर्णन स्पेक्ट्रम पढ़ने के लिए अपन ने क्या लिया था दृढ़ घूर्णक वैसे यहाँ पर अपन लेंगे सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर या अपन कहेंगे सरल आवर्त गति और एक अपन सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर की जगह एन हार्मोनिक ओसिलेटर लेंगे यानी एक लेंगे सरल आवर्त दोलित्र गति और एक लेंगे सरल आवर्ती दोलित्र गति लेंगे दोनों के लिए क्या क्या पढ़नी है वही वापस से सेम यहाँ पर क्या होगा एक कंपन स्तर से दूसरे में जाएगा तो ऊर्जा कैसे देंगे फिर इसके लिए चयन नियम क्या होंगे और उसके बाद में यहाँ पर आवश्यक ऊर्जा है वो किस प्रकार से होंगी ठीक है जी उसके बाद में आती है नेक्स्ट कि अगर कोई आईआर स्पेक्ट्रम देता है तो वो रमन स्पेक्ट्रम नहीं देता और जो आईआर स्पेक्ट्रम नहीं देते फिर वो कौन से स्पेक्ट्रम देते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी तो नेक्स्ट जो है उसमें अपन को पढ़ना है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर देखिए यहाँ पे दो चीजें आती है एक क्वेश्चन रमन रेखाएं क्या होती है अब रमन रेखाएं जो होती हैं? ये फिर से दो प्रकार की होती हैं एक होती है एंटी स्टोक लाइंस एंटी स्टोक लाइंस और एक जो होती हैं उन्हें कहते हैं स्टोक लाइंस तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्टोक लाइंस क्या होती हैं और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एंटी स्टोक लाइंस क्या होती है ठीक है तो एंटी स्ट्रोक और स्ट्रोक रेखाएं दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है रमन रेखाएं कहा जाता है अब पहली स्ट्रोक रेखा की दूरी कितनी होती है रेले से या पहली एंटी स्ट्रोक रेखा की दूरी रेले से कितनी होती है या पहली स्ट्रोक और पहली एंटी स्ट्रोक रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि उसका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में बात करें तो एक तो आते हैं ट्रांजेक्शन ट्रांजिक्शन की बात करें तो सिग्मा से किस में जा सकते हैं सिग्मा स्टार पाई से किस में जा सकते हैं पाई स्टार या एन से तो सिग्मा से सिग्मा स्टार पाई से पाई स्टार एन से सिग्मा स्टार या एन से पाई स्टार ये क्या कहलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण और इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों को पढ़ने के लिए एक पढ़ा जाता है क्या फ्रैंक कोडोन सिद्धांत और एक इसमें लास्ट क्वेश्चन और है अगर दृढ़ घूर्णक लिया अपन ने घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक क्वेश्चन है अगर यहाँ पर एक ही अणु का क्या ले लें समस्थानिक ले लें तो इन घूर्णन स्पेक्ट्रोम समस्थानिकों का क्या प्रभाव पड़ता है तो ये क्वेश्चन है स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले स्पेक्ट्रम फिर बोन ओपेनमियर अनुमान उसके बाद में चार हैं एक घूर्णन एक आईआर कंपनी स्पेक्ट्रोस्कोपी उसके बाद में है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और उसके बाद में लास्ट में है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी तो इनमें से ये ये क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें अपन को नॉर्मली अगर बात करें तो तीन चीजें पता होनी चाहिए एक तो कि कहीं पर भी स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है तो अणु एक स्तर से किस में जाता है दूसरे स्तर में या अपन गए निम्न ऊर्जा स्तर से किस में चला जाता है उच्च ऊर्जा स्तर में और यहां निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च स्तर में जब जाएगा तो यहाँ पर अपन को पहले पता होनी चाहिए हर एक स्तर की क्या आवश्यक ऊर्जा फिर पता होना चाहिए कि कौन से स्तर से किस में जा सकता है तो इसके लिए चलते हैं सिलेक्शन रूल्स और सिलेक्शन रूल्स के बाद में आती है कि अणु जब एक स्तर से दूसरे स्तर में जाता है तो यहाँ जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है उनका मान कितना होता है तो अब इसमें अलग अलग दे रखे हैं कि घूर्णन स्पेक्ट्रम को पढ़ने के लिए दृढ़ घूर्णक को काम में लेंगे ऐसे कंपन स्तर को पढ़ने के लिए अपन किसको काम काम में में ले लेंगे लेंगे सरल आवर्ती दो को नेक्स्ट आता है ये वाली यूनिट बहुत ही इजी यूनिट है इसमें टोटल अगर बात करें तो पांच छह क्वेश्चन बनते हैं इसमें देखिए सबसे पहला सबसे पहला पूछा जाता है प्रकाश रसायन क्या होता है तो इसमें प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं का क्या किया जाता है अध्ययन तो पहला क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल अभिक्रियाएं कौन सी होती है उसमें थर्मल रिएक्शन होती हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें अभिक्रियाएं और प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं इन दोनों में बताओ अंतर क्या होता है तो एक क्वेश्चन तो बनता है इनका सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं वो किसके अवशोषणों से संपन्न होती हैं फोटोनों के यानी फोटोन की बात करें यानी प्रकाश के अवशोषण से तो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकाश के अवशोषण के नियम कितने होते हैं प्रकाश के अवशोषण नियमों का वर्णन करो तो देखो दो नियम होते हैं एक होता है बेयर का का और एक किसका होता है का। ठीक है ठीक जी तो यहां पर क्या पूछा जाता आपसे एबजॉर्बेशन इन लो थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो प्रकाश रसायन तो यहां खुद प्रकाश रसायन के भी नियम होते हैं तो पूछा जाता है प्रकाश रसायन के नियम बताइए कन्फ्यूज नहीं होंगे यहाँ पे एक है प्रकाश के अवशोषण नियम एक है प्रकाश रसायन फोटो केमिस्ट्री के लो फर्स्ट और सेकेंड लो, लो देखिए यहां पर भी दो नियम है एक है अपने पास में स्टार्क आइंस्टीन का नियम स्टार्क आइंस्टीन का नियम और एक जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है ग्रोथस ड्रेपर का नियम ग्रोथस ड्रेपर का नियम तो देखो ये नियम क्या कहते हैं ये ऐसे कहते हैं कि कोई भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किससे संपन्न होती है फोटोनों से संपन्न होती है यानी अवशोषित प्रकाश जो होता है वो ही क्या करता है परिवर्तन करता है बाकी जो उसमें से उत्सर्जित हो गया या पारगमित हो गया उसका कोई योगदान है नहीं होता और एक नियम कहता है कि एक अणु जो है वो एक ही फोटोन का क्या कर सकता है अवशोषण इसके बाद में देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन की बात करें इस यूनिट में तो पूछा जाता है यहाँ पे

नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है किसका क्वांटम दक्षता का कि क्वांटम क्वांटम लब्धि या दक्षता जो होती है वो क्या कहती है तो अपन कहते हैं किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या और बट्टा उसमें अवशोषित होने वाले फोटोनों की संख्या क्या कहलाती है क्वांटम दक्षता फाइव अब देखो वन ऑन वन रिएक्शन होती है नहीं इसका मान हमेशा कितना होना चाहिए एक लेकिन ऐसा नहीं होता तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है निम्न क्वांटम दक्षता और उच्च क्वांटम दक्षता के क्या बताओ कारण बताओ कि अगर कम है तो फिर क्यों है और अगर ज्यादा है तो फिर क्यों है तो आपको यहां पर ये यह बताना होता है कि कम आ रही है तो क्यों और ज्यादा आ रही है तो क्यों नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर वो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया प्रकाश सुग्राही अभिक्रियाएं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती है तो बनेगा फोटोकेमिकल रिएक्शंस का मतलब है ऐसी अभिक्रियाएं जो होती हैं वो किस की उपस्थिति में होती हैं प्रकाश की उपस्थिति में लेकिन इन अभिक्रियाओं में डायरेक्ट कभी भी प्रकाश का अवशोषण नहीं होता तो इसमें कुछ बाहर से पदार्थ मिलाए जाते हैं वो कहलाते हैं प्रकाश सुग्राही पदार्थ और उनकी उपस्थिति में ये अभिक्रियाएं होती हैं इन्हें क्या कहा जाता है प्रकाश सुग्राही अभिक्रय और इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जैसे क्लोरीन की उपस्थिति में हो सकती है ब्रोमिन की है या मर मरकरी वगैरह की उपस्थिति में है तो यही इस यूनिट की अगर बात करें तो ये चार पाँच क्वेश्चन बनते हैं इन क्वेश्चन में से आप आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं अब बात करते हैं लास्ट यूनिट की फिफ्थ यूनिट फिफ्थ यूनिट जो है वो बहुत ज्यादा आसान है ट्वेल्थ क्लास के अंदर भी अपने चलती थी तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे अपने ने सबको पता है विलेयन क्या होता है तो अपन ने कहा विले प्लस विलायक ये क्या कहलाता है विलेयन कहलाता है अब छोटे-मोटे क्वेश्चन होते हैं यहां पर वो पूछ लिए जाते हैं कि विले और विले का विलायक के आधार पर विलियन वगैरह कितने प्रकार के होते हैं लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात करते हैं में तो सबसे पहले पूछा जाता है किनको सांद्रताओं को सांद्रताएं देखिए कौन कौन सी दे रखी हैं एक दे रखी है प्रतिशत डब्ल्यू बाई वी और एक दे रखी है प्रतिशत डब्ल्यू बाई डब्ल्यू की यहाँ पर अगर बात करें तो एक तो पढ़नी पड़ती है अपन को मोलरता मोलरिटी कैपिटल एम एक अपन को पढ़नी पड़ती है फॉर्मलता फॉर्मलता की बात करें कैपिटल ए एफ एक अपन को पढ़नी पड़ती है नॉर्मलता नॉर्मलता को किसे लिखते हैं कैपिटल ए एन की अगर बात करें तो यहाँ पर एक तो पढ़नी पड़ती है अपन को मोललता स्मॉल ए एम और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है वो क्या पढ़नी पड़ती है मोल बिन मोल फ्रैक्शन जिसको लिखते हैं अपन किससे कैपिटल अक्स से तो ये क्वेश्चन तो बनता है किनका सांद्रताओं का ठीक है जी अब आता आती है कि सांद्रताएं जो हैं उसके बाद में पढ़े जाते हैं यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी अगर अपन बात करें तो क्या कहेंगे कि विलियन जो है उसके ऐसे गुण धर्म जो किस पर डिपेंड करते हैं अणुओं की संख्या पर क्या कहलाते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कितने होते हैं जी चार सबसे पहले क्या होता है वाष्प दाब में अवनमन वाष्प दाब में अवनमन उसके बाद में सेकंड क्या होता है तो अपन ने कहा क्वनाथनाक में ओनियन थर्ड अगर बात करें तो क्वेश्चन आता है हिमांक में अवनमन अवनमन और जो लास्ट है वो आता है परासरण दाब परासरण दाब तो देखो इसके अंदर बात करें लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाएगा इलेवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट हो जाएगा लोअरिंग इन हिमांक की बात करें तो हीज में हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट और लास्ट में हो जाएगा ओस्मोटिक प्रेशर इन सब की अगर बात करें तो इन सब से निकाला जाता है हमेशा जो विले मिलाया जाता है कौन सा विले होता है अवाष्पशील होता है अवाष्पशील का विले का अणु जिसको अपन लिखते हैं स्मॉल m से तो क्वेश्चन आता है यहाँ पर यहाँ पर आपको क्या निकालनी होती है स्मॉल m निकालने का फॉर्मूला डेराइव करना पड़ता है प्लस इसके साथ में यहाँ से होते हैं न्यूमेरिकल जो आपको करने होते हैं इन चार में से एक क्वेश्चन तो हमेशा फिक्स है एक क्वेश्चन तो आता ही आता है फिर बात करते हैं इसके नेक्स्ट की तो देखिए नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है किसका राउल्ट के नियम का क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन अपन पढ़ते हैं वो किसके लिए पढ़ी जाती है अपने ने कहा राउल्ट ने दी थी तो राउल्ट ने किसके लिए दी थी तनु के लिए दी थी डाइल्यूट का मतलब है जिसमें की जो सांद्रता होती है वो क्या होती है बहुत ही कम होती है तो देखो कैसे पढ़ेंगे इसको तो देखो राउल्ट क्या कहता है तो सबसे पहले अपन ने कहा पढ़ना होता है अपन को यहाँ पर राउल्ट का लो राउल्ट क्या कहता है राहुल टी ये कहता है कि कभी भी जो अवनमन वगैरह होते हैं वो हमेशा किस पर डिपेंड करते हैं अवयव की मोल भिन्न के और ऐसे विलियन जो राउल्ट के नियम की पालना करते हैं वो कौन से विलियन कहलाते, है? कहलाते हैं आदर्श विलियन कहलाते हैं आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं और जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते वो होते हैं यहाँ पर अनादर्श विलियन नॉन आइडियल होते हैं अब ये जो आदर्श और अनादर्श है उनको भी फिर से कैटेगरी में बांटा जाता है अनादर्शन फिर कितने प्रकार के होते हैं दो एक कौन से होते हैं धनात्मक विचलन वाले यानी जिनकी वैल्यू हमेशा क्या आती है पॉजिटिव में और डेविएशन कैसा दिखाते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव डेविएशन वाले यानी ऋणात्मक विचलन वाले यौगिक ठीक है जी तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो किसका बन जाता है राउल्ट के लो का राउल्ट के लो के अंदर ही एक टॉपिक आता है

दो पदार्थ मिलाए और तो इस मिश्रण का जो जो पर या या है उसका इन दोनों से भी क्या हो जाना चाहिए कम या दूसरा पॉजिटिव की उसके बाद में आते हैं अपने पास में आक गुण धर्म पढ़ लिए फिर आते हैं असामान्य अनुसंख्यक गुणधरम असामान्य अनुसंख्य गुण धर्म क्या होते हैं कि अगर अपन असामान्य अणु संख्य गुण धर्मों की बात करें तो इसके लिए पढ़ा जाता है गुणांक वाफ गुणांक जो होता है उसको लिखते हैं आई से क्या कहता है आई टू वन आ रहा है इसका मतलब सामान्य गुण है ना तो अणुओं को विलयन में डालने पर टूट रहे यानी वियोजन हो रहा है ना का संयोजन हो रहा है यानी जुड़ रहे हैं आई की वैल्यू एक से क्या हो जाए ज्यादा इसका मतलब अणुओं का यहाँ पर क्या हो रहा है वियोजन और I की वैल्यू अगर एक से क्या हो जाए कम इसका मतलब अणुओं का क्या हो जाता है संयोजन और जब किसी विलय का किसी विलयन में या तो मान आने चाहिए वो नहीं आते और इन्हें क्या कहा जाता है असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म तो इनको पढ़ने के लिए सिंपल है क्या पढ़ा जाता है वन हाफ गुणांक पढ़ा जाता है ठीक है जी अब आते हैं कुछ है? और क्वेश्चंस और क्वेश्चंस की अगर बात करें तो आजकल ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में काफी चल रहे हैं, पर हैं बहुत ही छोटे छोटे से जैसे एक तो अपन को पढ़ना पड़ता है आयनिक आयनिक सामर्थ्य सामर्थ्य आयनाइजेशन पोटेंशियल है इसको आई से भी लिख सकते हैं और कई जगह इसको जेड से भी लिखा जाता है काफी इंपॉर्टेंट आजकल इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं सेकेंड अगर बात करें तो क्वेश्चन पूछा जाता है किसका वैद्युत आप घट्टे के वैद्यूत घटे भी दो प्रकार के होते हैं एक कौन से होते हैं परबल और एक कौन से होते हैं दुर्बल इस तरह से पढ़े जाते हैं तो यहाँ पर आयनिक सामर्थ्य वाला जो टॉपिक है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है इसके अलावा पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर बताओ एल्फा एल्फा क्या होती है वियोजन या फिर संगुणन की प्रवृत्ति भी पूछी जा सकती है तो संगुणन या वियोजन की प्रकृति ठीक है जी ये क्वेश्चन है इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पांचवी यूनिट में से तो ये सारे क्वेश्चन हैं इसमें से अगर आप चाहें तो विलियन वाला जो चैप्टर है उसमें से दोनों क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे आपके क्योंकि सारा का सारा जो पार्ट है वो कहाँ पढ़ चुके हैं अपने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ चुके हैं तो ये थे अपने फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पांच यूनिट और पांच यूनिट के अंदर से जो जो क्वेश्चंस बनते हैं उन उनकी बात कर रहे थे तो सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एक बार पढ़ के जाने वो बता दिए हैं तो इसलिए आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक तो के लिए थैंक यू